अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान और खैर खैरियत से रखे। तो सुबह उठ के जब मैं उठी तो मेरी अम्मा ने मेरे लिए ये नाश्ता बनाया हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ ज़रूरी काम किए जो पेंडिंग थे काफ़ी देर से। तो फिर मुझे आज छोटी सी शॉपिंग के लिए जाना था क्योंकि आगे कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स आ रहे हैं और मुझे कुछ स्कार्फ्स और कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं आई हूँ लिंक रोड, माइल टाउन लिंक रोड, और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। इधर हर तरह की शॉप्स होती हैं और यहाँ स्पेसिफ़िकली मैं जिसके लिए आई हूँ वो है अलबलाग। अलबलाग से मुझे कुछ स्कार्फ्स वगैरह लेने थे और अभी वो आता है। तो वो एक ये कलरफुल प्लाज़ा है, इसके अंदर है, इसकी बेसमेंट में। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ लाइट गई हुई थी तो इतना अच्छा वीडियो नहीं शूट हो सकी, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है स्कार्फ्स की, अबायास की, सारी ऐसी चीज़ों की जो इस्लामिक रिलेटेड होती हैं। इवन इनका बुक सेक्शन भी है जहाँ पर सारी बुक्स वगैरह होती हैं। बहुत ह्यूज शॉप है ये। तो ये कुछ स्कार्फ मैंने फिर शॉर्ट लिस्ट किए थे और बेसिकली मुझे रेड और मैरून टाइप सा चाहिए था। तो बहरहाल अब हम लोग आ गए, मैंने वो बाय कर लिया और फिर उसके बाद हम लोग खुस्सा लेने और चूड़ियाँ लेने आए। ये बहुत ही मज़े की मेरी फेवरेट मार्केट है, इसको खालिद मार्केट कहते हैं। और मेरी फ्रेंड्स तो मुझे अक्सर छेड़ती हैं कि अच्छा ये भी खालिद मार्केट से ही लिया होगा, वो भी वहीं से लिया होगा। ये बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल है। और मैंने उसको कहा कि रेड कलर की चूड़ियाँ दिखाओ ज़रा, और तो वो उसने ये दिखाई। मुझे ये ना थोड़ा सा मैरूनी सा टच लगा, मुझे गाजरी सा रेड कलर चाहिए था। तो मैंने उसे कहा कि कोई और निकाल के दिखाओ। ये देखें यहाँ पे कितनी वैरायटी है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हर चीज़ की, और बहुत अच्छी शॉप होती है। तो ये फिर उसने जो है वो गाजरी से रंग की निकाल के दिखाई, तो फिर मैंने ये ले ली। ये थोड़ा सा व्यू है और शॉप्स का, ये खालिद मार्केट की शॉप्स हैं। तो हर चीज़ की एक अलहदा शॉप, हर चीज़ की एक अलहदा शॉप, और काम वाले भी यहाँ बैठे होते हैं और सब। अब मैं आ गई थी खुस्सों की शॉप पे और बहुत ही प्यारे प्यारे खुस्से, और हर चीज़ यहाँ बहुत प्यारी और बहुत वैरायटी की होती है। और जो खुस्सा लेकिन दो तीन मुझे पसंद आए, वो तीनों ही नहीं थे मेरे साइज़ में। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, तो फिर मुझे एक और लेना पड़ा। तो लेदर के खुस्से भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन वो मैंने इस दफ़ा नहीं लेने थे, वो मैं थोड़ा सा कैजुअल लेना चाह रही थी। तो लेदर के खुस्से बहुत प्यारे थे, ये देखें ये सारे लेदर वगैरह के हैं। और गुज़रते गुज़रते मुझे कपड़ा बहुत पसंद आया था, ये मैंने लिया तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम आके ना ये लूँगी, क्योंकि मैं जल्दी में भी थी। और शाम को मैंने एक फ्रेंड की तरफ, मेरे नेबर्स में एक फ्रेंड है, वो बहुत ही स्वीट है, वो कुछ स्पेशल बनाती है तो कहती है कि मेरे साथ डिनर करना, और तो मैंने उसके पास जाना था। और हम लोग अब आ गई हूँ मैं रूप सिंघार पे। रूप सिंघार भी एक ये मेकअप की शॉप है, बहुत अच्छी, बहुत ह्यूज मेकअप की शॉप है। यहाँ पे ऑथेंटिक मेकअप मिलता है। ये खालिद मार्केट में तो नहीं है, लेकिन इसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं लाहौर में रूप सिंघार की। तो मैंने यहाँ से बेस वगैरह लेनी थी, टीवी स्टिक वगैरह, और लिक्विड बेस भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ खड़े होकर जल्दी से दोस्तों को मैसेज किया कि मुझे बताओ कंपनीज़ का। ये TV6 के पहले आप कलर्स देख लें। ये 1 है राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 3, 1W, 2W और 3W। तो मैंने 1W शॉर्टलिस्ट की थी। और मेरी दोस्तों ने जो लिक्विड बेस का बताया था, वो मेबेलिन और मैक और लॉरियल, और वो मैंने चेक ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। मेबेलिन तो इनके पास थी नहीं, मैक और लॉरियल इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मैंने अभी ली नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह बाय करूँगी। क्योंकि अब मैं टीवी स्टिक लेके आई थी, मैं दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स करके हल्की हल्की लगाती हूँ। तो अब मैंने नेल पॉलिश लेनी थी, नेल पॉलिश के सेक्शंस में आ गए हैं। ये जो है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, इतने खूबसूरत कलर्स, और इसमें से भी रेड चूज़ करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब मैं घर आ चुकी हूँ, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल शॉपिंग हॉल दिखा दूँ। ये मैंने चैपस्टिक ली थी, मेरी चैपस्टिक ख़त्म हुई थी, दिस इज़ द रेड लिपस्टिक और TV स्टिक W1, और लिपस्टिक कह रही हूँ, दिस द नेल पॉलिश। और ये दो स्कार्फ्स लिए थे, खुस्सा एंड चूड़ियाँ।
तो मैंने कहा मैं आपको एक छोटा सा शॉपिंग हॉल भी बता दूँ। और अब जो है वो आई हैव टू गेट बैक टू सारे, मैंने दूसरे काम करने हैं और शाम को इंशाल्लाह अब रात पे जाते हैं जहाँ मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है नेबर्स में तैयार होके। और उसने मेरे लिए कुछ बना के रखा हुआ है डिनर के लिए। और अच्छा, उसके लिए मैंने ये जो ड्रेस लिया था, ये ड्रेस वैसे मैंने खालिद मार्केट से ही लिया था और सिंपल ड्रेस है। इसको भी मैंने ज़रा इस तरह सिलवाया हुआ है, थोड़ा सा ज़रा मुझे स्कर्ट्स और वो पसंद है। इसका इट्स लॉन का ड्रेस है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाकी सारा प्रिंटेड है। बहुत प्यारा ड्रेस है। ब्लैक कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे हर मोस्टली कपड़ों में ना ब्लैक ज़रूर होता है। ज्वेलरी में मैंने हुप्स भी निकाले थे। दीज आर सिल्वर हुप्स, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये ब्लैक हुप्स भी थे, लेकिन ब्लैक हुप्स जो है ना वो अगर बाल खोलने हो तो नज़र नहीं आते, वो ब्लैक ब्लैक के अंदर छुप जाता है। अगर हाई पोनी वगैरह हो तो फिर ब्लैक हुप्स नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल सोच सोच के मैंने ब्लैक ही पहन लिए थे हुप्स। ये मैं अपनी दोस्त के घर पहुँच गई हूँ और अभी वो किचन में घुसी हुई है। तो बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। इवन वो बहनों से भी बढ़कर है। वो इतनी इतना प्यार करें, बल्कि मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मत है हम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे ज़रा उसका प्यार देखे ज़रा। अब लाला चीज़ें ला के अब हम ड्राइंग रूम उसमें बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे। और ये पहले जो उसने सर्व किया है ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड है। चीज़ अंदर है, ऊपर नीचे गार्लिक ब्रेड है, तो वो एक सैंडविच सा बन गया है। और फिर ये मैकरोनीज, और वो उसी वक्त कहती है कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि वो चीज़ थी तो वो और गर्म गर्म वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब ठंडा हो जाता तो फिर वो बात ना रहती। तो और मैं आपको बताऊंगी, मेरा इतना दिल कर रहा था गार्लिक ब्रेड खाने का, इतनी देर हो गई थी। मैं हमेशा लूफ ब्रेड पे ही गार्लिक, ये अभी मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। लूफ ब्रेड मैंने, मुझे होता था कि मैं लेके आऊँ तो उसने जो घर की ब्रेड होती है वाइट ब्रेड, उसी के ऊपर ही वो सारा बैटर लगा के और सब, वो इतना डिलीशियस था। ये मैकरोनीज भी बहुत मज़े की थी मैम। और मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझसे डाला ही नहीं जा रहा साथ साथ। मैं एक ब्लॉगर को भी देख रही थी तो वो भी यही कह रही थी, मुझे लग रहा है मैं अंधी हो गई हूँ, साथ साथ वीडियो बनानी पड़ती है, साथ साथ चीज़ें करनी पड़ती है। तो सैंडविचेस की जो रेसिपी है ना वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये मेरा एक और बन के आ गया है सैंडविच गार्लिक ब्रेड के ना। आपने 50 ग्राम्स बटर लेना है, 2 गार्लिक क्लोव्स लेने हैं और आपने उसके अंदर ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डाल देना है। ठीक है, अभी मैं आपको सारा अब दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें अंदाज़े से भी आप डाल सकते हैं, बहुत यम्मी बनता है। इसको आराम से आपने स्प्रेड कर देना है और जो नॉन स्टिक पैन होता है उसके अंदर आपने बना लेना है। अब वो अपने लिए चाय, और मैं तो बिल्कुल, मेरा पेट इतना भरा हुआ था कि चाय मज़ीद नहीं मेरे से ली जा रही थी, मैंने तो कोक ही ली थी। और फिर हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम लोग मूवी देखते हैं। तो अब हम लोग ये कुछ स्नैक्स ले आइए और हम लोग जो है वो लैपटॉप के ऊपर मूवी लगा रहे हैं कुछ। और यहाँ पर हम लोग लाइट सेट कर रहे थे कि कौन सी लाइट सही है और ये वो। मैंने उससे कहा लाइट तो ऑन करो पहले, मैं वीडियो तो बना लूँ। फिर हम लोग ये लाइट, ये सारा जो है ना मैं आपको वीडियो में दिखा रहा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।